नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप वृद्धावस्था पेंशन की लिस्ट कैसे देखेंगे। अगर आपके परिवार में या फिर कोई रिश्तेदार में वृद्धावस्था पेंशन पाता है तो आप यह वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप चेक कर सकें कि उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में है कि हट गया, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे लोगों की जो है पेंशनें रोक दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आप लैपटॉप या मोबाइल से देखना चाहते हैं वहाँ पे कोई भी ब्राउजर खोल लो, यहाँ पे टाइप करना है sspy.gov.in और ये नीचे में ये जो फर्स्ट में लिंक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, अब आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे लिखा हुआ योजना के विषय में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऊपर देखिए लिखा है वह वृद्धावस्था पेंशन, नीचे योजना के विषय में, तो मैं योजना के विषय में क्लिक करता हूँ जहाँ पे योजना के विषय में लिखा हुआ है। अब इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए पेंशनर सूची लिखा हुआ है। पेंशनर सूची में ये जो लेटेस्ट वाली है 2021-22 वाली सूची, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसके बाद नीचे आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जनपद हैं सभी जनपदों के नाम आ जाएंगे। तो जैसे कि मेरा जनपद है उन्नाव, मैं उन्नाव पे क्लिक करूँगा। अब नीचे ये देखिए विकास खंड, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपका विकास खंड होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निकाय होगा। तो मैं जो है ग्रामीण क्षेत्र का चेक करूँगा, विकास खंड मेरा असोहा है तो मैं असोहा पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है असोहा ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं सबकी लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आपका जो भी गांव हो आप नीचे स्क्रॉल करके देख लें। ये देखिए तूरी छविनाथ, हमारा गांव तूरी छविनाथ है तो मैं तूरी छविनाथ पे क्लिक करूँगा। अब नीचे में देखिए तूरी छविनाथ के अंतर्गत तीन गांव आते हैं, रामपुर, तूरी छविनाथ, तूरी राजा साहब। तो आपका जो भी गांव हो वो तूरी छविनाथ जो है मजरा है मेन, इसके बाद जो भी आपका गांव हो उस पर क्लिक करें। तो तूरी छविनाथ के सामने देखिए जहां पे 18 लिखा हुआ है, आपके गांव की संख्या कुछ और होगी, आपको यहां पे क्लिक करना है। ये देखिए जहां पेंशनर कुल पेंशनर लिखा हो उसके नीचे ये देखिए गिनती लिखी हुई है, आपके गाँव में जितने भी पेंशनर होंगे उनकी संख्या लिखी होगी। तो मेरे यहाँ 18 हैं तो मैं 18 पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों हमारे गांव की पूरी सूची निकल के आ चुकी है, ये देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है बुद्धिलाल, इनके पिताजी का नाम है जालिपा, इनकी एज कैटेगरी सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों नीचे आप स्क्रॉल करते जाइए, आपके गांव में जितने भी पेंशनर हैं ओल्ड एज वाले सबका नाम लिख के आ जाएगा। देखिए दोस्तों 18 लोगों के हैं, इसमें हमारे गाँव में पहले लगभग 23 लोगों का पेंशन आती थी लेकिन जो है 5 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। और ये जो पैसा लिखा हुआ है 1500 रुपये, अब इसको बढ़ा दिया गया, पहले 500, ये 1500 रुपये 3 महीने में आता था, 500 रुपये महीना, लेकिन अब ये जो है जनवरी 2022 से 1000 रुपया महीना कर दिया गया है, तो 3 महीने में 3000 आता है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से घर बैठे हुए अपने घर के किसी सदस्य के या फिर अपने रिश्तेदार के या फिर अपने पड़ोसी के, और अगर वृद्धावस्था पेंशन आती है या फिर आप अपने गांव के किस किस व्यक्ति की ओल्ड एज पेंशन आती है देखना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने बताया आप इसी को फॉलो करिए, आप जो है पूरी तरह से देख पाएंगे। तो अगर आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।